गुजरात की जहां 36वें नेशनल गेम्स 2022 एकल सेमीफाइनल में पहुंची आकर्षि कश्यप, गांधी में बैडमिंटन सिंगल का मुकाबला चल रहा है और आकर्षि ने प्री क्वार्टर में तनसीम मीर को 21-17, 21-14 से हराया है। क्वार्टर फाइनल में नेहा पंडित को उसने हराया, 21-14, 16-21 और 21-18 से हराया है। सेमीफाइनल में आकर्षि पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली है आकर्षि कश्यप। तो 36वें नेशनल गेम्स 2020 जिस मुकाबले में फाइनल में पहुंची है आकर्षि, गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, भिलाई की रहने वाली हैं और प्रदेश का नाम ऊंचा कर रही है नेशनल गेम्स में। जी बिल्कुल, देखिए यदि हम आकर्षि की बात करें, आकर्षि कश्यप लगातार छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा नाम होकर सामने आ रही है। इसके पहले भी आकर्षि ने जो काठमांडू और पोखरा में मैच हुआ था दक्षिण एशियाई खेलों में, उसमें स्वर्ण पदक जीता था छत्तीसगढ़ के लिए। और साल 2022 में उनके द्वारा जो एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम है उसमें भी क्वालिफाई किया था आकर्षि ने। तो एक उसी समय से लगातार आकर्षि कश्यप जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा खेल खेल रही थी और अब एक बार फिर से जो तीसरा नेशनल गेम्स है 2022 जो गुजरात में हो रहा है उसमें उन्होंने जो सेमीफाइनल मैच है उसमें एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में पहुंची है। काफी बड़ा उत्साह की बात है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लगातार आकर्षि शर्मा जो है प्रदेश के साथ साथ जो देश और विदेशों में जो बैडमिंटन के गेम्स हो रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रही है। और मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा इस पूरे जीत के लिए उन्हें धन्यवाद बधाई दिया है और कहा है कि आने वाले समय में भी ठीक इसी तरीके से आकर्षि जो है वो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगी और लगातार जो है अपने खेल की प्रतिभा है उसे दिखाएगी। इसके पूर्व भी जो गेम हुआ था उसमें जो स्वर्ण पदक आकर्षि ने जीता था उसमें भी भव्य स्वागत उसका छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो गृह जिला है भिलाई दुर्ग, वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया था। यदि हम आकर्षि की पढ़ाई की बात करें तो उनका जो स्कूलिंग है वो राजनांदगांव जिले में हुआ था, राजनांदगांव के डेली पब्लिक स्कूल में हुआ था, वहीं कॉलेज जो है वो दुर्ग जिले में हुआ था। तो एक बड़ा नाम जो है खेल के क्षेत्र में वो बनकर सामने आ रही आकर्षि। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो छत्तीसगढ़ के खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, खिलाड़ियों को बढ़ावा देते आ रहे हैं, उसमें एक और जो आयाम है वो आकर्षि कश्यप जो है वो बनकर सामने आई है। जी शुक्रिया गौरव इस तमाम बातचीत के लिए।